भारत माता की जय, जय सियाराम। कैसे हैं मेरे मित्रों, सब लोग ठीक होंगे? अभी मैंने आज एक मेरे फेसबुक पेज पे एक वीडियो मैंने डाला है। एक पाकिस्तान में एक बुजुर्ग अपनी दो बेटी जो कि जिहादी उठा के ले गए, उनकी दो बेटियों को, और जबरन इस्लाम कबूल करवाया, मुसलमान बनाया गया। ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये पहली बार नहीं है। ऐसे तो कई बार पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करना, जहां जहां पर हिंदू होते हैं उनको टारगेट करके उनका कत्लेआम करना, ये आम सी बात है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हिंदू होना एक बहुत बड़ा श्राप है। आज हिंदू किस प्रकार से पाकिस्तान में जी रहा है, आज एक बाप जिस प्रकार से छाती पीट पीट कर जो पोल्यूशन में रो रहा है, इसको देख के हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में एक समय था हमारी संख्या बहुत रहती थी, लेकिन आज की हम जनगणना देखेंगे तो सिर्फ 1% ही हिंदू पाकिस्तान में बचा हुआ है। हमारे सिख भाई बंधु लाखों की संख्या में पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन आज मात्र 10,000 हमारे सिख भाई बंधु बचे हुए हैं, और भी संख्या घटते जा रही है। हिंदुओं पर, मेरे सिख भाई बंधुओं पर कितना पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, अगर हम YouTube या Google पे सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पाकिस्तान में ऐसी हालत है, अगर कोई तिलक लगा के घूमता है तो भी उसको पनिशमेंट दिया जाता है। 100% हिंदू महिला भी वहां पर बुर्का पहन के घूमना है, ऐसा एक वातावरण पाकिस्तान में बना हुआ है। मेरे भाइयों, आज हिंदू समाज को एवं उन सेक्युलरों को सोचने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर ऐसा क्यों हुआ। क्यों हुआ मतलब, हिंदू जब जब घटा, हिंदू जब जब बटा, हिंदुओं का यही हाल हुआ। और आज भारत देश में भी कुछ ऐसा ही वातावरण बनते जा रहा है। हम केरला का उदाहरण ले सकते हैं, बंगाल का उदाहरण ले सकते हैं। बंगाल और केरला में भी हिंदू बट रहा है। हिंदू राजनीति मोड़ ले लेकर कि हम सेक्युलर है, ऐसी भावना प्रकट करके वहां पर भी हिंदुओं को मारा जा रहा है। आज पूरे भारत देश में एक चुनाव का माहौल बना हुआ है। तो मेरे भाइयों, आपको किस प्रकार से प्रधानमंत्री चाहिए, यह आपके हाथ में है। मैं तो हिंदुत्व की बात करने वाला हूं, मैं मेरा धर्म सुरक्षित रहे, मैं मेरा देश सुरक्षित रहे, ऐसी मैं विचारधारा वाला व्यक्ति हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि या कोई कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी अगर आएगी या जीतेगी तो हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम बड़े से लेकर छोटे से लेकर नेताओं को ये भी ये कहना चाहूंगा, विकास के साथ साथ हिंदुत्व की भी बात आप लोगों को करने की आवश्यकता है। जहां जहां पर आपका चुनाव प्रचार होता है वहां वहां पर हिंदू हित की भी बात करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान में हो रहे हमारे हिंदुओं को जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात करने की आवश्यकता है। कश्मीर में जो हमारे लाखों कश्मीरी पंडितों को जो हकाला गया, वजह हिंदू घटा इसलिए हिंदुओं को हकाला गया, इस विषय पे भी बात करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी आते हैं, बम फोड़ते थे, एक जमाना था, लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति है जो बम फोड़ने वालों को बम से जवाब देने वाला व्यक्ति है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री भी हमने देखा है। मेरे भाइयों, हिंदुत्व को सुरक्षित रखना है, हिंदू समाज को सुरक्षित रखना है, संस्कृति को हमें सुरक्षित रखना है, तो हमें कैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, कैसी पार्टी हमें चाहिए, ये आप लोग सोचने और समझने की आवश्यकता है। आज तेलंगाना का कांग्रेस का मैनिफेस्टिवल हमने देखा। मैनिफेस्टिवल में ये लिखा हुआ है कि हम जो भी हज जाएगा उसको 20 लाख देंगे, हर मस्जिद को करंट फ्री, लाइट फ्री देंगे, कोई भी मुसलमान लड़का अगर विदेश जाना चाहता है उसको भी हम फाइनेंशियली फुल सपोर्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम पढ़ाएंगे। सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए ही उस मैनिफेस्टिवल में लिखा हुआ है, कांग्रेस के मैनिफेस्टिवल में। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टिवल में
हिंदुओं के लिए कुछ नहीं लिखा है, मेरे सिख भाई बंधुओं के लिए कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है तो माइनॉरिटी के लिए लिखा है। तो देखिए कैसी आप सरकार चाहेंगे ये आपके हाथ में है। आतंकवादियों को ठोकने वाला या आतंकवादियों को रेस्पेक्ट देने वाला व्यक्ति चाहिए ये आपके हाथ में है। उसी के साथ रामनवमी आ रही है, मैं चाहता हूं कि पूरे भारत देश में भगवान श्री राम जन्म उत्सव के अवसर पर, रामनवमी के शुभ अवसर पर पूरे भारत देश में रामनवमी की शोभा यात्रा हो, सभाएं हो और सभी हिंदू संकल्प लें कि हमें राम राज की स्थापना करना है। ये संकल्प हमारे सभी हिंदू भाई बंधुओं को लेना है और इतने कम समय में मेरे जितने भी भाई बंधु पधारे हैं मैं उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। भारत माता की जय, जय सियाराम।